हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, सुबह के बज चुके हैं 5:45 और मैं हूँ रोड पर, जो है मॉर्निंग वॉक के लिए आया हूँ रोज़ की तरह। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं सूर्य देवता प्रकट हो चुके हैं। आप सभी लोग सूर्य देव को नमस्कार करें। तो गाइस, आज की वीडियो, सबसे पहले तो आप ये जो है कमेंट में करके बताएं आपको बैकग्राउंड कैसा लग रहा है। तो गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग देश के नंबर वन व्लॉग चैनल के बारे में, जो कि हाल ही में नंबर वन हुआ है। और उस यूट्यूब व्लॉग चैनल का नाम है सौरभ जोशी व्लॉग। सौरभ जोशी व्लॉग्स के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, इससे पहले एक चैनल था फ्लाइंग बीस्ट के नाम से, जो कि गौरव तनेजा सर चलाते हैं, उसके क्रिएटर हैं। और उससे पहले वो नंबर वन चैनल था इंडिया का। अब उनको बीट करके सौरभ जोशी व्लॉग्स नंबर वन चैनल बन गया है। क्या रीज़न है व्लॉग्स चैनल या यूट्यूब पर सक्सेस होने के लिए, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए ताकि आप यूट्यूब पर सक्सेस हो सकें? तो आपको एग्जांपल दूंगा मैं सौरभ जोशी व्लॉग्स चैनल के साथ। तो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सौरभ जोशी व्लॉग्स जो है, ये सौरभ जो है लड़का है जो सौरभ जोशी व्लॉग्स चैनल का ओनर है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, सौरभ जोशी व्लॉग्स जो है, इसके पास एक इससे पहले एक चैनल था सौरभ जोशी आर्ट्स के नाम से, जिसमें वो स्केचेस वगैरह बनाता था और इसकी वीडियो अपलोड करता था। गाइस, उस चैनल पर भी उसके 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर थे। तो मैं आपको बता दूं, ये भी एक रीज़न होता है कि अगर आपके पास रिच होती है, सब्सक्राइबर होते हैं, तो आपका दूसरा चैनल जल्दी ग्रो होता है और उसके ग्रो होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन ऐसे बहुत से सब्सक्राइबर हैं जिनके पास ऑलरेडी चैनल है, लेकिन उन्होंने व्लॉग चैनल ओपन किया हुआ है, फिर भी इतने सब्सक्राइबर उनके चैनल पर नहीं है, इतनी रिच उनके व्लॉग्स चैनल पर नहीं आती है। तो ऐसा सौरभ जोशी के साथ क्या हुआ कि उनके व्लॉग्स चैनल पर उनके जो पहले वाला चैनल था उससे भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं, यानी कि लगभग 5.6 मिलियन सब्सक्राइबर उनके चैनल पर होने वाले हैं। तो गाइज़, ये रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस, सौरभ जोशी व्लॉग्स चैनल का जो है फेमस होने का सबसे बड़ा कारण ये है, जो आज वो इंडिया का नंबर वन व्लॉग्स चैनल है। सबसे पहले तो ये कि उनको जो है रिच मिली अपने पहले चैनल से, जो कि सौरभ जोशी आर्ट्स के नाम से था। वहाँ से सब्सक्राइबर उनको मिलना शुरू हुए, क्योंकि वो अपने चैनल से प्रमोट कर रहे थे अपने व्लॉग्स चैनल को। लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो उनको हुआ है वो है कंसिस्टेंसी, निरंतरता जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि डेली व्लॉग अपलोड करना। 2020 में दोस्तों जब लॉकडाउन लगा था, तो उसके बाद लॉकडाउन में उन्होंने डेली व्लॉग बनाना शुरू किया और 2021 तक, यानी कि 365 दिन, एक लगभग एक साल तक पूरे 365 दिन उनके 365 व्लॉग आए हैं। सुबह 8 बजे उनका व्लॉग आ जाता था और अभी भी सुबह 8 बजे मॉर्निंग में उनका व्लॉग आ जाता है। तो दोस्तों, ये है रीज़न सबसे बड़ा, कंसिस्टेंसी, डेली व्लॉग अपलोड करना। और मैं आपको बता दूँ, एक नॉर्मल यूट्यूबर और एक व्लॉगर, व्लॉगर का काम यूट्यूबर से ज़्यादा हार्ड होता है। हम लोग जो है 2 घंटे में वीडियो जो है रिकॉर्ड करके एडिट करके अपलोड कर देते हैं, लेकिन गाइस जो व्लॉगर्स होते हैं उनके लिए कोई रेस्ट नहीं होता है। अगर वो रेस्ट भी करते हैं तो उनका कैमरा जो है वो ऑन रहता है, कुछ ना कुछ वो शूट करते रहते हैं, यानी कि पूरे दिन का उनकी जो क्रिएटिविटी होती है वो शूट करनी होती है, तब जाकर उनका जो है व्लॉग्स कंप्लीट होता है, उनकी वीडियो कंप्लीट होती है, तब जाकर वो वीडियो को एडिट करके अपलोड करते हैं, तब जाकर आपको व्लॉग उनका मिलता है। तो गाइस, काफ़ी हार्ड वर्क होता है एक व्लॉगर के लिए जो यूट्यूब पर काम करते हैं। तो इतना आसान नहीं है, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी होती है, तब जाकर यूट्यूब पर सक्सेस मिलती है। तो गाइस, यही जानकारी आपको देनी थी कि देश का नंबर वन व्लॉग्स चैनल कैसे बना, किस लिए बना, कैसे उसकी हिस्ट्री थी और कितना हार्डवर्क सौरभ जोशी ने किया होगा, आप इसे समझ सकते हैं। 365 दिन में 365 व्लॉग्स, कितना हार्डवर्क होगा आप समझ सकते हैं। तो इस बंदे ने पूरी तरीके से लॉकडाउन को यूटिलाइज़ किया है, तो ऐसे होता है समय का सही प्रयोग। तो गाइज़, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस तरह की वीडियो मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। तो मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।